ना मैं बाबा साहब में आस्था रखता हूँ, ना तथागत बुद्ध में रखता हूँ, ना रामगुरु परमा में रखता हूँ, ना जगदेव बाबू कुशवाहा में, अपने लीला ले जाता हूँ। मैं इनमें से किसी में भी आस्था नहीं रखता, अपने माता पिता में भी आस्था नहीं रखता, मैं उन सबका अनुयायी हूँ, भक्त नहीं। अगर जो पूजन करने वाला 501 रुपए में कम से कम 4 घंटे की गारंटी तो ले कि भैया 501 रुपए दोगे तो 4 घंटे तुम्हारी गाड़ी ठोकेगी तो हम इंश्योरेंस दे। यही दिखावे के लिए सही, दिखावे के लिए भी करो। भले ही कोई प्रजापति ना मिले पति नाम लिख दो, भले ही कोई विश्वकर्मा ना मिले नाम लिख दो, कोई कश्यप ना मिले ये रोना मत रो कि मिल नहीं रहे। अगर नहीं मिल रहे तो आपने ईमानदारी से काम नहीं किया। मेरे जैसे व्यक्ति को 20 साल लग गए मानने में कि बाबा साहब हमारे। आयोजित डिबेट करवाते हैं, ये संविधान का उल्लंघन ही तो है। तो मौजूदा जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो संविधान के हिसाब से चल कहां रही है? वो तो अपने आकाओं के हिसाब से चल रही है, जितना पैसा डालेंगे उतना चलेगी। अब उसके बनिस्पत जो दूसरा मीडिया है जिसकी आप लोग तारीफ कर रहे हैं, उस मीडिया को चलाने के लिए अगर पसंद है, हो सकता है यहाँ 3 लोग जो हम लोग आए हैं, हो सकता है हम 3 में से कोई पसंद ना हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो पसंद होगा आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में, कोई तो पसंद होगा कि लड़का अच्छा काम कर रहा है, अच्छी पत्रकारिता कर रहा है, उसी को सपोर्ट कर दो। अगर इस दलाल भांड कॉर्पोरेट दरबारी मीडिया को देखने के लिए पैसे खर्च करते हो तो अपने लोगों को आगे बढ़ाने में तकलीफ कहां है? लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा कि अच्छा कर रहे हो करते रहो। तुम कीबोर्ड कैसे खरीदोगे, 500 रुपए का माइक कैसे खरीदोगे, ये हम नहीं बताएंगे। तो ऐसे में तो वही लोग, वही तथाकथित लोग स्वाभाविक तौर पर कब्जा किए रहेंगे आपके ऊपर जो अभी तक करते चले आए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, पैसे तो कोशिश करिए कि वो इडियट बॉक्स जो इसको बुद्धू बॉक्स कहा जाता था, पहले वो बुद्धू बॉक्स हुआ करता था, अब हम लोगों को इडियट बना रहा है, तो कोशिश करिए कि उसमें पहले तो फिल्टर लागू करिए। महिलाएं कम आई हैं, हाँ एक समाधान ये भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम तो बदल गए, पत्नी नहीं मान रही, हम तो बदल गए, बच्चे नहीं मान रहे। उसका भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हर चीज का है, उसका सॉल्यूशन सामने है। एक बार, दो बार, 4 बार 5 बार जब ऐसे कार्यक्रमों में लेकर के आएंगे और हमारे जैसे लोग बताएंगे कि हमारी शादी को 4 साल हो गए, पत्नी करवा चौथ व्रत नहीं रहती, लेकिन हम तो जीवित हैं। आरएस पटेल जी जैसे लोग बता दें कि हम 20 साल हो गए हमारे, यहां पर बैठे हुए लोग 30-40-40 साल वाले उदाहरण वाले भी होंगे, जब बताएंगे कि 40 साल हो गए मरे नहीं है बिना करवा चौथ के, तो कुछ तो ज्ञान चक्षु खुलेंगे। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि लाइए, यही तो सॉल्यूशन है, लाइए ऐसे कार्यक्रमों में बैठा लिए, ये सब बातें सुनवाइए, तो परिवर्तन अपने आप होगा। अब आप सुन सुन के चले जाते हैं, घर में कुछ बताते नहीं है, फिर कहेंगे कि पत्नी नहीं बदल रही, बच्चे नहीं बदल रहे। माफ करिएगा, जो लोग कहते हैं कि घर में ये नहीं बदल रहे हम बदल गए, वो खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक जिस एंटीना ग्रोह को, जिस जनेऊ नेक्सस को गाली देते हैं गाहे बगाहे, उसी को आर्थिक रूप से पैसा भी देते हैं कि लो हमारे आरक्षण के खिलाफ, हमारे नौकरियों के खिलाफ बसें भर लेना इस पैसे से। और जब वाहन खरीद के लाते हैं तो कैसे कहते हैं कि पैसा कम रह गया होगा खाने वाला, भाई भीड़ ले जाओगे हमारे खिलाफ तो खाने का भी पैसा चाहिए, तो लोग गाड़ी पूजन का पैसा चाहिए, इससे खाना खिला देना। अब नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं, मेरे साथ यही दिक्कत है, कल राम कुमार जी मुझे लेने गए थे, राम कुमार चौधरी जी लेने गए थे, तो भाई मेरे ऊपर एहसान है लेकिन मैं बुलाई इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं धक्की हूं, तो उनकी गाड़ी में रखे हुए थे जिन्होंने निकल लिया था उसको, सूर्य को निकल लिया। तो अब सवाल यह है कि गाड़ी का इंश्योरेंस उनकी है या नहीं है, और अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो वो क्यों है, और वो है तो इंश्योरेंस क्यों है? भाई अगर जो पूजन करने वाला 501 रुपए में कम से कम 4 घंटे की गारंटी तो ले कि भैया 501 रुपए दोगे तो 4 घंटे तुम्हारी गाड़ी ठोकेगी तो हम इंश्योरेंस देंगे, और अगर 4 घंटे का भी इंश्योरेंस नहीं है तो काहे के लिए पूजन करवा रहे हो? या तो वो रखने से इंश्योरेंस का पैसा बच जाए तुम्हारा 20,000 रुपए 25,000 रुपए, और नहीं बच रहा है तो फिर इंश्योरेंस ही करवा लो, वो बाहर रख दो। भाई हमारी गाड़ी को तो 3 साल हो गए, ऐसे मंचों पर ठोकते हैं आज तक तो कहीं नहीं ठोके, सुरक्षित पहुंच जाते हैं, और आज भी तुम्हारे किसी देवी देवता में हिम्मत हो तो मुझे लखनऊ जाने से रोक ले।
पहुंच जाऊंगा, वहां से फोन करूंगा और बताऊंगा कि पहुंच गया हूं। मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, और जिस दिन आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति आ गई, आपसे खतरनाक कोई नहीं है, ना बोलने वाला ना करने वाला। केवल पहले अपने अंदर का भय बाहर निकालिए। और एक और अनुरोध करता हूं कि अगर आप उस बात से परेशान नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस बात से परेशान भी है, उसको कोसते भी हैं, ये भी बताते हैं कि उसने हमें नीचा दिखाया, हमें नीचे बनाया, और उसी को जाके पैसा भी पहुंचाते हैं, तो कम से कम जिस बात से परेशान हो उनका आर्थिक ढांचा तो तोड़ दो, अर्थ देना तो बंद कर दो, फिर बाद में देख लेंगे भाई वो मिट्टी के माधव पूजने हैं कि नहीं पूजने, वो बात की बात है। पहले कम से कम बिचौलिया तो हटा दो बीच से, अभी मतलब लास्ट इंजेक्शन तो बाद में दिया जाएगा, पहले तो बिचौलिया ही हटा लीजिए। पत्रकारिता को जब पढ़ रहा था तो अच्छी बात यह है कि हमारे समय में दिलीप मंडल जी जैसे लोग भी थे पढ़ाने वाले, तो उन्होंने एक लाइन समझाई कि मुझे तो आज तक याद है, बाकी मेरे बैच में या अन्य पत्रकार साथियों में कितनों को याद है, यहां वालों को तो याद है कंधर में इसीलिए मंच पे है, कि सरकार जो बात छुपाना चाहे वो खबर है, दलाल मीडिया कहती है कि सरकार जो बताना चाहे वही खबर है, सरकार जिस बात का प्रचार प्रसार करवाना चाहती है हमसे कि ये प्रेस रिलीज लो हमने ऐसा किया है, वो खबर कब से होने लगी, वो तो विज्ञापन है, प्रचार है, और हम लोग वही ढूंढने की कोशिश करते हैं जो तुम छुपाना चाहते हो, मेरी नजरों में वही खबर है। तो अगर हम एक सिस्टम शुरू करते हैं, जैसे इस मंच से तमाम सारे प्रतिमान तोड़े टूटे हैं, याद करिए अपनी परिकल्पनाओं में कि बहुजन समाज ने कभी कोई कार्यक्रम आयोजित किया हो, उसका मुख्य अतिथि कोई पत्रकार हो, कोई वकील हो, कोई लेखक हो, कोई प्रोफेसर हो, चुनिंदा कार्यक्रम आपको मिलेंगे। मैं सामने वाले पर सवाल उठाने से ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, खुद से सवाल करें कि हम कितने पत्रकारों को, कितने वकीलों को, कितने लेखकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब वक्त जरूरत आती है, अनिल किशोर सर जैसे कितने लोग हैं जो मौजूदा नौकरी में रहते हुए मंच पर आके बैठ जाए, इसलिए अगर ब्यूरोक्रेट को ठोकूंगा तो ये उसमें अपवाद है, ये उसमें शामिल नहीं है। मगर सवाल यही है कि आपने दो लोगों को पूजा पूरे जीवन भर, या तो ब्यूरोक्रेट्स को या नेताओं को, और जब जरूरत पड़ी तो यही दोनों ने सबसे पहले पीठ दिखाई। सबसे पहले बाबा साहब के, ज्योतिबा फूले के, पेरियार रामस्वरूप वर्मा के, ललित यादव के, कर्पूरी ठाकुर जी के, जग्गा बाबू कुशवाहा जी के, पूरे संघर्षों का असली मजा लिया नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, असली मजा, और सबसे ज्यादा समाज को धोखा दिया इन्हीं दोनों लोगों ने। लेकिन समाज ने सबसे ज्यादा मंचों पर बैठाला इन्हीं लोगों को, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से रिसीव करवाया इन्हीं लोगों को। आज आप लोगों ने परंपरा और परिपाटी बदली है, तो ऐसे लोगों को बुलाना शुरू किया है। वीरेंद्र जी के इस कार्यक्रम की केवल ताली बजा करके सराहना करने से नहीं होगा, अगर ये मॉडल ठीक रहा लग रहा है तो इस मॉडल को एडॉप्ट भी करना होगा। देखिए हम लोग कितनी छोटी छोटी मानसिकताओं में फंसे रहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस मंच से नाम लेकर संबोधित कर दिया गया, जिस व्यक्ति को पूछ लिया भैया बोलेंगे 2 मिनट, उस व्यक्ति की नजर में कार्यक्रम अच्छा है, और जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए पीछे बैठ के चला गया, अरे सब वही वही थे आपस में, ग्रुप बनाए उन्हें सब कार्यक्रम किया और खत्म हो गया। इन छोटी छोटी मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हुए एक और बात कहता हूं, हो सकता है कि अपने ही ऑफिस में अपने ही किसी नाते रिश्तेदार से, पट्टीदार से आपका झगड़ा हो, खेत खलियान का, नाली पट्टी का, प्रमोशन का, उससे खूब लड़ लो, उसके घर ना जाओ, खाना ना खाओ, उसके साथ खूब लड़ाई लड़ते रहो, मगर जब वही शख्स प्रमोशन में रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा हो, जातिवाद जनगणना की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उसके कार्यक्रम में जाके शामिल हो जाओ। अपने मिशन को व्यक्तिगत मत बनाओ, काम से सुन लो कि ये व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है, मगर अगर वो मिशन के लिए लड़ रहा है तो उसके प्रति समर्पित हो जाओ। ये वक्त की जरूरत है। अगर जिन लोगों को आप गाली देते हैं, जिनको मनुवादी कहते हैं, जिनको ब्राह्मणवादी कहते हैं, जिनको संघी मानसिकता का कहते हैं, उनसे अगर इतना भी नहीं सीख पाए तो संवैधानिक ढांचे को बचा नहीं पाएंगे। मैं देखिए बहुत आशान्वित आदमी हूं, बहुत पॉजिटिव रहता हूं, यहां जो दिख रहा है ये सब पॉजिटिविटी ही है,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो बोल दू सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अभी हमारे हाथ में है, बशर्ते हम अपनी ताकत को पहचाने। इन मंची कार्यक्रमों के भरोसे रहने की बजाय खुद से यहाँ बैठा हुआ हर शख्स सवाल करे कि हम 365 दिन में कितने दिन बाबा साहब और ज्योतिबा फूले के मिशन का काम कर रहे हैं। कार्यक्रमों से क्या होता है, अंबेडकर जयंती जितनी ज्यादा तादाद में मनने लगी है उतना ज्यादा लोग पाखंड में डूब रहे हैं, उल्टा सिस्टम है। एक बात के लिए और धन्यवाद दे रहा हूं आपको, एक और छोटी मानसिकता है। अगर बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल, ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल, बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना, किसको माना? बुद्ध को, कबीर और ज्योतिबा फूले को। तो अगर बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फूले की जयंती बाबा साहब के साथ ना मनाई जाती हुई तो बाबा साहब के विचारों का अपमान है, मगर ऐसा हो रहा है। तमाम ऐसे आयोजन, मैं इस बार ये 16वीं अंबेडकर जयंती है, इन 16 अंबेडकर जयंती में महज 4 अंबेडकर जयंती ऐसी है जहां पर ज्योतिबा फूले इंक्लूड है, बाकी सिर्फ अंबेडकर जयंती मन रही है। हम और लक्ष्मण जी साथ में थे अलीगढ़ में, वहां भी अंबेडकर जयंती और ये साथ में थी। तो ये क्यों जरूरत है, भले ही दिखावे के लिए सही, दिखावे के लिए भी करो। भले ही कोई प्रजापति ना मिले फर्जी नाम लिख दो, भले ही कोई विश्वकर्मा ना मिले नाम लिख दो, कोई कश्यप ना मिले ये रोना मत रो कि मिल नहीं रहे। अगर नहीं मिल रहे तो आपने ईमानदारी से काम नहीं किया। मेरे जैसे व्यक्ति को 20 साल लग गए मानने में कि बाबा साहब हमारे हैं, फैक्ट बता रहा हूं इस मंच से, 20 साल लग गए, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं, क्या जन्म ही नहीं लिया था हमने, तो हम तो हमें तो साबित करना है पक पक पर कि हमें अंबेडकरवादी हैं। जन्म ले लेते तो जन्म से ही हो जाते। मैं जन्म वाला नहीं हूं लेकिन कर्म वाला अंबेडकरवादी हूं, चैलेंज देके कहता हूं। जयंती नहीं मनाता ना फोटो डालता हूं बाबा साहब के साथ, लेकिन 365 दिन बाबा साहब के मिशन का काम करता हूं, गर्व और घमंड के साथ कह रहा हूं। तो अपने अपने वादों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। एक और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है बहुजनवाद का, कि थोड़ा सा बदल गए हम यार, ये एक जाति से दुकानदारी चल रही है ठीक ठाक तो बहुजन बनते हैं। तो बहुजन बनने में क्या करना है, एक अपनी जाति का महापुरुष, एक बाबा साहब अम्बेडकर बहुजनवादी, दूसरी जाति एक अपनी जाति का महापुरुष, एक डॉक्टर अम्बेडकर ये भी बहुजनवादी। छौंका नहीं मारिए दाल में, मिक्स करिए, पंचमेल खिचड़ी बनाइए। मंच पर 10 लोगों में अगर 6 जाति के लोग नहीं है तो आप अम्बेडकरवादी नहीं है। अगर कार्यक्रम का आयोजक, मुख्य अतिथि, संचालक तीनों एक ही जाति का है तो आप अंबेडकरवादी नहीं है, तीनों डिफरेंट चाहिए। इस खिचड़ी को बनाना पड़ेगा, यही वक्त की मांग है। मीडिया का रोल देखिए, आपको याद है कि मुनचुआ कब आया था, याद है किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। मीडिया ने बताया था कि मुनचुआ आया है, मगर यहां बैठा हुआ कोई शख्स बता दे कि उसके आसपास कहीं आया हो, आया किसी के यहां, लेकिन मीडिया ने बताया, मीडिया की भूमिका बता रहा हूं आपको। और अब फिर से वही सरकार है, विश्व के सबसे महान यशस्वी प्रधानमंत्री की, इतने मजबूत और ताकतवर है कि भाई उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल में मजबूत है, मुझे भी बड़ा गर्व होता है। तो उनके समय में आया चोटी कटवा, तो क्यों आया, समय समय पर ये सरकारें इस दलाल भांड कॉरपोरेट दरबारी मीडिया के माध्यम से ये चेक करती हैं कि मूर्खता कितनी बची है। और जब वो समझ लेते हैं कि चोटी मुनचुआ के समय में भी मूर्ख थे और चोटी कटवा के समय में भी मूर्ख है, तो इनको मंदिर पकड़ाओ, घंटा पकड़ाओ, काहे को स्कूल दे रहा है भाई, इनका एजेंडे में ही स्कूल नहीं है, इनके एजेंडे में ही लेटरल एंट्री नहीं है, निजीकरण नहीं है, भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, तो इनको तो जो चाहिए वो पकड़ाओ, मूर्ख अभी भी है। ये है इस मीडिया की भूमिका। इसलिए महिलाओं से भी निवेदन है जो गिनी चुनी आई है कि अपने घरों में डायन, चुड़ैल, नागिन सीरियल आते हैं ना, इनको नहीं देखना है। ये सीरियल इसलिए शुरू किए गए हैं समय के साथ में, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया था कि रामायण और महाभारत अब नहीं देखना है। इस बात की चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि नया कॉन्सेप्ट लाओ बाल हनुमान, कम से कम कार्टून के रूप में तो देखोगे, लेकिन देखो वही बाल कृष्णा, मतलब देखो वही जो हम दिखाना चाहते हैं भाई, कार्टून की शक्ल में देखो। तो अब महिलाओं को कैसे अंधविश्वास में डाला जाए, तो नागे नागे सीरियल
चुड़ैल आ गया, यही सब सीरियल के नाम है, डायन आ गया। तो जब तक इस इडियट बनाने वाले बॉक्स को, जो इडियट बॉक्स था आज हमें इडियट बना रहा है, उस पर लगाम न लगा करके आप वास्तविक मीडिया को नहीं देखेंगे जो आपके मुद्दों की बात कर रहा है, जन सरोकारों की बात कर रहा है, सरकार से मोर्चा ले रहा है, आंख में आंख मिलाकर के बात कर रहा है, तब तक स्थितियों में कोई परिवर्तन विशेष होने वाला नहीं है। अब एक अंतिम निवेदन करने के बाद बात खत्म करूंगा, ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। एक और समस्या है कि जयंतियां तो खूब मन रही, तो जयंतियां मनते मनते आगे मंदिर भी खूब बन जाएंगे, बनेंगे। तथागत को अवतार बनाया, अभी बाबा साहब को भी अवतार बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे लक्षण ऐसे हैं। हम लोग मंच से कहते हैं कि बाबा साहब की अनिवेशन और कार्य पढ़ना है मंच से, मगर बाबा साहब यहीं बैठे हुए लोगों में बाबा साहब को अगरबत्ती दिखाने वाले लोग भी होंगे, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे फोटो खिंचाने वाले लोग भी होंगे, यहीं बैठे लोगों में तथागत बुद्ध के सामने खीर रखने वाले लोग होंगे। तो तुमने सिस्टम क्या बदला है? उस तरफ का ये तो नव ब्राह्मणवाद है, उस तरफ का पाखंड अपने कर ले आए और बोले हम तो अंबेडकरवादी हो गए। बाबा साहब को पढ़ने का समझने का मतलब, देखिए जानने और मानने में फर्क है। आप लोग बाबा साहब को, बुद्ध को, अपने महापुरुषों को मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। और मैं जानने वाला व्यक्ति हूं, ना मैं बाबा साहब में आस्था रखता हूं, ना तथागत बुद्ध में रखता हूं, ना रामस्वरूप वर्मा में रखता हूं, ना जगदेव बाबू कुशवाहा में, ना पेरियार लल्ले यादव, मैं इनमें से किसी में भी आस्था नहीं रखता, अपने माता पिता में भी आस्था नहीं रखता, मैं उन सबका अनुयायी हूं, भक्त नहीं हूं, क्योंकि मैंने उनके विचारों को समझा है, उनको पूजा नहीं है। तो हम आप भी जितने जल्दी अपने महापुरुषों को समझ करके इंटर कास्ट मैरिजेस को बढ़ावा देंगे, जितने जल्दी एक्चुअल बहुवर्णवाद को लाने के लिए मंचों पर विविधता लाएंगे, स्पीकर्स में विविधता लाएंगे, अपने कार्यक्रमों में केवल, देखिए असली बहुजन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप खुद से एनालिसिस करिए कि हम बात से बाहर निकले कि नहीं। जब आप घर में छोटा आयोजन करते हैं जिसमें आप कहते हैं हमने सिर्फ फैमिली के लोगों को बुलाया है, उन 10 लोगों में अगर आप 5 जाति के लोग बुला पा रहे हैं तब तो आप बात से बाहर निकले। 100 लोगों में बुला लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो इसलिए कि माहौल बना रहेगा, देखो सब लोग हमारे आए हैं। जब 10 चुनिंदा लोगों में अपना परिवार तय करोगे कि उन 10 चुनिंदा लोगों में भी अलग अलग जाति समुदाय के लोग होंगे, तब बहुजन कॉन्सेप्ट घरों में लागू हो पाएगा। वरना हम लोग बाहर से आएंगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। 2014 के पहले भी कहा गया, 2019 में भी रटा गया, लेकिन बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, हमको फंसाता है, और हम संघर्षों के आदि है, हम बेहतर वादी। ठीक है, बहुत समय आप लोगों का नहीं लेना है, लगभग सारी बातें हो गई। मीडिया लिटरेसी यानी कि मीडिया साक्षरता हम लोगों में बेहद कम है। सबसे पहले सेमिनार इस बात के लिए आयोजित होने चाहिए कि मीडिया को समझें, है कौन सा हमारा मीडिया, उसमें से क्या देखना है क्या नहीं देखना है। प्लस एक यहां बैठे हुए तमाम सारे लोगों से निवेदन, जो लोग कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में, आप सुबह उठ करके अपनी फेसबुक पर लिखते हैं कि जातिवार जनगणना चाहिए, तो क्या कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के खिलाफ है? है खिलाफ कि जातिवार जनगणना होना चाहिए? खिलाफ है? खिलाफ नहीं है, नहीं है ना। अगर आप सुबह उठ करके लिखते हैं अपने फेसबुक पर कि सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी थी, तो ये खिलाफ है क्या? ये भी खिलाफ नहीं है। खिलाफ तब है जब तुलना कर दोगे उससे, सरस्वती से, तब खिलाफ है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, यहां बैठा हुआ हर शख्स मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है, बसरते बहाना मत बनाइए। अपने को यह सीमित करिए कि हम क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं। विथ रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस के साथ कहना है, मैं जो बोलता हूं, नवीन जी जो बोलते हैं, सुमित जी जो बोलते हैं, लक्ष्मण भाई, हम लोगों की नकल मत करो। हम लोगों को तमाम चर्चित हो गए, 2-4 आ जाएंगे बचाने, 2-4 से ज्यादा नहीं आएंगे, हो सकता वो भी ना है, खैर उम्मीद है 2-4 आ जाएंगे, मगर हम लोगों के पास थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम है। प्लस लगातार बोलते बोलते ये डर हो गया है कि इनको छेड़ेंगे तो एक माहौल बन सकता है, इसलिए हम लोगों की बोलने में नकल कतई मत करिए। सबको अपना अपना ध्यान रखते हुए, लेकिन ये नहीं कि डर जाइए, डरना नहीं है, लिखना मुद्दा ही है। अगर फेसबुक पर लिखोगे SC ST का प्रमोशन में रजिस्ट्रेशन वापस लाओ, किस धारा के तहत अपराध है?
तो अनुरोध सिर्फ इतना है कि सार्वजनिक तौर पर धर्म के बारे में लिखने से बचिए निश्चित तौर पे, क्योंकि इनके हम सबके खिलाफ कुछ होगा तो पता चल जाएगा, आप लोगों को चर्चित हो गए थोड़े थोड़े ऐसे ज्ञान देते देते, लेकिन हम लोगों के चक्कर में तमाम वो लड़के जिन 10-11 लड़कों के खिलाफ गांव गांव में हो रही है FIR, उनको कौन बचाने जाएगा? उनको भी बचाना है। जोश का मतलब होश खोना नहीं होता है, उनको ये बताना है, आप सब लोगों को जागरूक करना है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, मतलब अपनी पिच पर खेलना है। मीडिया में एक शब्द होता है एजेंडा सेटिंग, उसका मतलब ये होता है कि मीडिया ये तय नहीं करता कि तुमको पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है, लेकिन ये एजेंडा सेट करता है कि बोलना इसी पर है। वो बता देता है कि तुमको ज्ञान वापी पे बोलना है, वो बता देता है कि हिंदू मुस्लिम पे बोलना है, भारत पाकिस्तान पे बोलना है, और हम क्या करते हैं कि डिबेट में फंसने के चक्कर में उसी के पक्ष विपक्ष में बोलते हैं। हम लोगों को अपना मुद्दा खुद बनाना है। कोई अगर हमसे राम मंदिर पर चर्चा करे तो पक्ष विपक्ष में चर्चा ही मत करिए, ये मेरे निजी विचार है, लोग असहमत भी हो सकते हैं। जैसे ही वो राम मंदिर कहे कहो यार जातिवाद जनगणना का प्रभाव, जैसे ही वो शिवलिंग की बात करे तो कह दो यार ये लेटरल एंट्री ले आए हमारे कितने यार लोगों का नुकसान करके तुम लोग ज्वाइंट से गड्डी बना दे रहे हो, उनके मुद्दे पर अपना मुद्दा ठोक दो, वहीं पर खुश हो जाएंगे। और उनके मुद्दे पर जितनी डिबेट करोगे जितनी चर्चा करोगे, भाई कंगना रावत पर चर्चा कर लो, क्या हासिल होगा बहुजन समाज को? उस तरफ बैठे हैं कंगना रावत के समर्थन वाले, हम विरोध करने वाले, उस तरफ बैठे हैं हिजाब के समर्थन वाले, हम विरोध करने वाले, क्या हासिल होगा समाज को? शिवलिंग निकल आए और चाहे खपारा निकल आए, हमसे क्या लेना देना यार, जब विद्यालय की बात करोगे तो हम बीच में कूदेंगे। कहीं तो अपनी लिमिटेशन तय करनी पड़ेगी कि क्या हमारी पिच है और क्या नहीं है। उनकी पिच पर खेलोगे फुल टॉस छक्का मारेंगे बाहर जाएगी बाउंड्री के पिच, और यही हमारे तथा कथित नेता गलत कर रहे हैं बहुजनवादी, और वही तमाम सारे मीडिया घरानों में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं कि उनकी पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मुद्दों पर चर्चा करवा रहे हैं। जब हम ट्रेन बस में सड़क पे पान की दुकान पे खड़े हों तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों की चर्चा करें, उनके मुद्दों की नहीं, उनके मुद्दों के ऊपर उठा करके अपना मुद्दा ठोक दो, यही इन कार्यक्रमों की असली सफलता होगी। अंतिम लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। केनरा बैंक के तमाम सारे एम्प्लॉय की तरफ से कहना चाहता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है कि फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है फिर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है जालिम सरकारों तुझे, मगर हम सबको जिद है कि दरिया को पार करना। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।